कारयोग वड्डी भैन प्रभा जी चाल साहब चावला साहब परमार साहब मेरे लिए तुसी सारे सत्कारयोग हो। मैं नावां दे चक्कर च पै गया ते कई ना रह जाणगे भरावो ते भैणो, मैं तुहाडा धन्नवादी हां। तुसी सन्मान किया पर जिन्नी कुरबानी भास्कर जी दी है मैं उन्हां दे गट्टियां तक भी नहीं आउंदा। उन्हां दी तस्वीर हेठ खड़े होके सन्मान कराउण दे विच मैनूं माण तां बहुत महसूस हुंदा है पर मैं समझता मेरे नालों वध माणयोग हस्तियां इत्थे हैगियां। भास्कर जी उत्थे गए जिन्ने तसीहे उन्होंने झले है उहदे तो बाद मैनूं गदर पार्टी वालियां दियां गदर दियां गूंजां याद आउंदियां। सेवा देश की जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश की सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झलियां ने। राग रंग छुट्टे साख अंग टुटे छुट्टियां वतन प्यारे दियां गलियां ने। जदों संकट दे समय आउंदे आ उदों रिश्तेदारां विचों भी पता नहीं किसे ने आके साडी भैण प्रभा देवी नूं पुछिया होवे रोटी खाधी बच्चियां वास्ते हैगी कि नहीं हैगी। बहुत सारे लोग इहो जिहे मौके छड जांदे आ कि कोई विगार पावे। हकीकतां बड़ियां बेशर्म हुंदियां, खातर वतन दी लगे हां चरण फांसी। सानू वेख के नहीं घबरा जाना, वतन वासियो चमकना चंद वांगू कदे बदलां हेठ ना आ जाना। ते जांदे जांदे एक गल मैं अपनी भैण प्रभा देवी बारे कहनी आ। अज तो 30 साल पहला देश भगतां दी एक किताब आई, एक बापू देश भगत नूं मैं किताब देण गया। उन्हें किताब 10 मिनट वेखी भुआ के मारी, कहिंदा इह किताब ही कम दी नहीं। मैं क्या कम दी नहीं, देश भगतां दीआं जीवनियां। कहिंदा सिर्फ देश भगतां दीआं। जदों देश भगत जेलां विच सन उन्हां दे बच्चे कौन पालदा सी? किसे एक भी देश भगत दी घरवाली दा नां इहदे विच नहीं लिखिया। जदों देश भगत उम्र कैदां कटदे सी पिछों बच्चे कौन पालदा सी? मैं अज इह समझदा कि मोहन लाल भास्कर जी जिन्ने वड्डे उस घल्लूघारे चों निकल के आए, जिड्डी वड्डी कुरबानी कीती, उस कुरबानी च बहुत वड्डा योगदान मेरी भैण प्रभा देवी दा। मैं जाण तो पहला उन्हां नूं सलाम करना चाहुंदा। मोहन लाल भास्कर जी नाल प्यार भी सी, उन्हां दा साडे मन च सत्कार भी है। उन्हां वास्ते मैं श्रद्धा दे फुल भेट करदा होया अपनी भैण नूं एक बारी फिर नमस्कार करदा। भैण जी तुहाडे तों सानूं प्रेरणा मिलदी है, साडे सिर ते आशीर्वाद रखिओ। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैनूं याद है जदों मुशायरा होया सी पहली बार, मैं बहुत छोटा सी, बहुत इमैच्योर स्कूल च पढ़दा सी। बट जनाब मुनव्वरा ने एक शेर बोलिया सीगा, उन्होंने कहा सी, जब कश्ती मेरी सलाम में आ जाती है, जब कश्ती मेरी सलाम में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वो लाइन्स हाले तक मेरे दिल च वसिया हुई ने। मतलब इन्नी छोटी उम्र के विच कोई शायर किसी ने स्ट्राइक करे, समझ आए, इट्स रियली बिग थिंग। मैं बहुत बड़ा फैन हाँ उन्हों का, एंड आई फील रियली लकी दैट आई एम हेयर। आई एम ग्रैंडसन ऑफ दिस ग्रेट मैन मोहन लाल भास्कर, हु वॉज मोर देन वन थिंग्स। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ फिल्म प्रोड्यूसर, एंड अ मैन हु गेव इज ऑल टू सोसाइटी एंड पीपल। ही वॉज रियली अ ग्रेट मैन, दैट्स वाई सो मेनी पीपल, सो मेनी डिग्निटरीज आर एसोसिएटेड विद हिम। आई मीन ही वॉज एन एपिटोम ऑफ लाइक हार्ड वर्क, विल पावर, वी कैन से। ही इज़ द ओनली मैन हु आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। जाने से पहले उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे कि ऋषभ बेटा, किट्टू बेटा इन फैक्ट माई निक नेम, कि तू मेरा नाम रोशन करेगा। तो वो जब भी मैं कभी डिसअपॉइंट होता हूँ, आई फील अ लिटल डिस्पोंडेंट, वो लाइन मेरे दिमाग में आ जाती है, वो स्पिरिट्स मेरी अप करती है, होप्स मेरी अप करती है। तो किसी ना किसी तरह वो भी शायद इन लाइन्स को फॉलो करते होंगे। आई लाइक टू कोट अ लाइन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, he must be falling somewhere because of his willpower, maybe in a different language, a different words. The woods are lovely, deep and dark, but before I sleep I have miles to go. I must be, you know, scrambling the words right here, but I hope you get the essence what I'm trying to say. So it's his willpower which I try to attain, which I'll always try to attain,
and I hope that I get it somewhere. Thank you so much. That's all I have to say. Have a nice evening. Good evening, everyone. It is a matter of honor for me that I, Asha Sagar Bhaskar, am the grandson of such a great man. And today I am going to recite a poem in front of you all, trying to pay a tribute to my late grandfather. यूँ तो मैं कभी अपने पूज्य दादाजी से मिल नहीं पाया, पर हर वक्त मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे आसपास ही है उनका साया। जब भी अपनी प्यारी दादी माँ को उदास पाया, उन्हें यही समझाया कि आसपास ही है मेरे दादाजी का साया। जब कभी अपने परिवार को किसी मुश्किल में पाया, दादाजी आसाथ खड़े हुए बन हम साया। ये उन्हीं के आशीर्वाद से मुमकिन हो पाया कि एमएल भास्कर फाउंडेशन 10 वर्षों से लगातार इतना बड़ा समारोह कर पाया। है आपसे इतनी सी विनती कि हम सब पर यूं ही बना रहे आप सब का प्यार भरा साया। थैंक यू। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। विल रोज हैज सेड, सक्सेस इज नॉट काउंटेड बाय हाउ हाई यू हैव क्लाइम्ब, बट बाय हाउ मेनी पीपल यू ब्रॉट विद यू। And today, I, Bhumija, granddaughter of late Sri Mohanlal Bhaskar, feel really proud to see this pandal full of people. It's proven how successful my grandfather was. We, his descendants, always try to add on to his glory and success. And I today stand before you to recite a poem. Written in Hindi, first time ever, I dedicate my composition entirely to my grandpa. दादाजी काश आप आज यहाँ होते हमारे साथ, पर जैसी भी हो भगवान की मर्जी, हमारे सिर से कभी मत हटाना अपना हाथ। आपके नाम से ही आज भी हैं लोग हमें पहचानते, आपके द्वारा किए गए सभी नेक कार्यों को हैं मानते। जब भी कोई प्रशंसा पत्र या पुरस्कार मिलता है मुझे, किसी से कुछ नहीं कहती, आपकी तस्वीर के समक्ष हाथ जोड़ती हूँ और सोचती हूँ शायद इसी रूप में मिल रहा है आपका आशीर्वाद मुझे। और जब कभी डांट भी पड़ती है मुझे, आंखों से आंसू आते तो हैं, पर फिर भी सोचती हूँ शायद इस रूप में भी मिल रही है आप ही से शिक्षा मुझे। घर में सबसे छोटी थी मैं जब आप चले गए, ज़्यादा वक्त भी आपके साथ गुजार ना पाई मैं, इसलिए कलम के साथ थोड़ा नाता जोड़ लेती हूँ। ऐसा लगता है आपके साथ भी थोड़ा समय गुजार लिया, और दादी जी कहते हैं आप ही के पद चिन्हों पर चल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके जीवन काल में तो आपके लिए कुछ खास कर ना सकी आपकी ये बिटिया, इसलिए अपना हर कार्य आपको अर्पित करते हुए हमेशा आगे रहने की कोशिश करती है आपकी ये बिटिया। आपके चरण कमलों में करती हूँ मैं शत शत प्रणाम, और यहाँ से विदा लूँगी पढ़कर यह कलाम। लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, पर उनकी हस्ती बाकी रह जाती है। कुछ भी कोशिश कर लो, पर कोई ना कोई आस अधूरी रह जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि ना जाने क्यों भगवान ने इतनी जल्दी बुला लिया आपको अपने पास, पर फिर ख्याल आता है कि शायद आप जैसे अच्छे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत पड़ जाती है। धन्यवाद। आप सबको दिली सैल्यूट की पिछले इतने सालों से आप सब ने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है। आपकी प्रेजेंस, मुनव्वर राणा साहब का इतना प्यार भरा हाथ हमारे पे होने की एक ही वजह है, एक है वो रूहानी ताकत जो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रही है, दूसरी है मेरी माँ, जिनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दिन ब दिन जो खुशहाल मेरा घर होने लगा, माँ की दुआओं का असर होने लगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।